अंकित शर्मा नाम का एक आईबी के अफसर को 400 बार चाकू मारा गया और पोस्टमार्टम में उसकी अंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन खींचकर बाहर निकाली गई हूं। आप मुझे बताइए किस दंगे में इस तरीके की हरकत करने का समय होता है? और अरे सुनने की कुवत रखिए जी, सुनने की कुवत रखिए। मैं आपको ये इसलिए कहना चाहती हूं कि इस तरीके की घृणा और नफरत, इस तरीके की घृणा नफरत सिर्फ एक कट्टरपंथी ही कर सकता है और उस कट्टरवाद को पनपाने वाले लोग कौन हैं, आज मुझे लगता है इस सदन को उस पर भी चर्चा करनी होगी। और खास तौर पर अगर इसकी डिटेल में जाया जाए तो सीलमपुर का वो इलाका है जहां 2018 में आईसिस का एक मॉड्यूल तोड़ा गया था और बहुत सारे बॉम्ब और बाकी चीजें 2019 में उस जखीरे को निकाला गया था। तो इसके पीछे ये साजिशें भी सामने आई हैं कि पीएफआई के लोगों की कुछ फंडिंग है, आईसिस से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक हंगरी से निकला हुआ व्यक्ति जो कि आज अमेरिकन सिटीजन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, $1 बिलियन उसने देने का कि भारत के नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए उसने प्लेज किया है। और उसकी जो संस्था है ग्लोबल सोसाइटी ओपन सोसाइटीज, उसमें बोर्ड मेंबर कोई और नहीं बल्कि हर्ष मंदर है जो कि एनएसी के भी मेंबर थे। और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी, कब बनाई थी, किस कारण से बनाई थी, उसका जवाब तो मुझे 100% मालूम है, अधीर जी को बहुत अच्छे से पता होगा। एक संगठित रणनीति थी और ये संगठित रणनीति उन्हीं शक्तियों द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था जो कि आज राजनीतिक समर्थ अपना खो चुके हैं और इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत इस काम को मुकम्मल किया गया। फैजल फारूक नाम के व्यक्ति जो कि राजधानी स्कूल के नाम से एक स्कूल चलाते हैं, उनका स्कूल सलामत है लेकिन अरुण नाम के एक स्कूल को जला दिया जाता है, दोनों बगल में हैं। ताहिर हुसैन की इमारत, आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मैं पीछे ना रह जाऊं आपसे, तो मैं नाम लेकर बताना चाहती हूं। ताहिर हुसैन जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, उनके घर की इमारत से कई सारी बॉम्ब फेंके गए, कैटापुल्ट यानी गुलेल जिसको कहा जाता है वो गुलेल, अरे तो गुलेल का इस्तेमाल हुआ और गुलेल का इस्तेमाल इस दंगे में बंदूक और गोलाबारी से भी कहीं अधिक घातक साबित हुआ। आप मुझे बताइए किसके घर के ऊपर लोहे के एंगल को जमाकर गुलेल रखी जाती है और एक साजिश के तहत हर दसवें घर के ऊपर एक गुलेल पाई गई, हर दसवें घर को इंगित करके एक गुलेल पाई गई। एसिड अटैक महिलाओं ने, उन मुस्लिम परिवारों की महिलाओं ने छत से किए जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और ये लोग अध्यक्ष जी मुझे इन लोगों की बात देखते हुए शेर याद आ रहा है, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है लेकिन आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। इन सब का पारा चढ़ना तो स्वाभाविक है। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू हुई हैं। हिंसा की घटनाएं 24 तारीख को 12 बजे से शुरू होकर 25 तारीख की 11 बजे रात तक खत्म हो चुकी हैं। ये इस सरकार की एफिशिएंसी है कि 36 घंटे के अंदर इन्होंने इस सब चीजों पर काबू पाया।